मैं सही एक मिनट मेरी बात सुनो आप आपको इसे रोकना नहीं चाहिए बीच में हम बात भाई साहब टैक्सी रास्ते का चट्टी पीछे भाई साहब गलत बात है और आप इसे मेरे साथ में अपने यार ओ भाई साहब एक मिनट मेरी बात आप चलेगा एक मिनट मेरी बात तो सुन लो पिक्चर बहुत अच्छी है पिक्चर की बात करना भले सुनिए मेरी बात हां बहुत अच्छी है कोई वल्गरिटी नहीं है कोई खराब नहीं है अरे भाई साहब अनमोल की माँ चो चटी बनिया ले लो जी मतलब माँ चो अरे भाई साहब टिकट बेच रहे हैं हम चटी बेच रहे हैं अरे भाई साहब दिमाग खराब है अरे भाई साहब फ्री दो टिकट दे रहा हूँ भाड़ में गया तुम्हारा टिकट तुम्हारे साथ में लड़की साथ में बोले चट्टी बेच रहे शर्वानी भाई साहब लेडीज हमारी फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ आप गुस्सा ऐसे कर रहे हो सुनो मेरी बात मैं एक्टर हूँ वो देखो उधर मैं एक्टर हूँ मैं ही रोल कर रहा हूँ और मैंने फिल्म बनाई है फिर भी भाई साहब खुले हम चट्टी तो नहीं बेचनी चाहिए भाई साहब दो थप्पड़ मारे मुझे खींच के उन्होंने और कहते तेरे पे तमीज नहीं गाली दे रहा है भाई साहब गाली कौन दे रहा है जी और मैं तो ये बोला अनमोल माचो ब्रांड के चड्डी तो बोले दे क्यों लगाया दे जी पंजाबी बंदा हूं ना के को दे बोलता हूँ जी उन्होंने कहा ठीक है पिक्चर रिलीज हो गई अभी तू अपने चड्डी बनियान के साथ हमारी टिकट बांट लोगों को तो भाई साहब एक चड्डी के साथ एक टिकट फ्री दी है मैं उन्होंने मुझे दे दी जी सुबह से भेज रहा हूँ जी भाई साहब स्कूटर लेके मेरे स्कूटर भी उधर खड़ा जी सुबह से थक चुका हूँ यहाँ आया हूँ मेरे कितनी चड्डी बिकी आपको पता है देखो देखो पैसे कितने आ गए जी मेरे पास रियल पैसे आ गए जी ये देखो इतने 100-100 के नोट आ गए जी इतनी चड्डी बेच के आया हूँ जी मैं मुझे आ गया जी है जी आप पिक्चर देखोगे ऐसी मस्ती और मजाक भी लगा जी उसमें है और आपसे लेके 6 दिन तक आप मुझे रोज सड़कों पे देखोगे जी चड्डी बनियान भेजते हुए हैं पर हमारे एक्टर भी मेरे साथ हैं ऐसा नहीं है हम नहीं है लेले भाजी भी थे लेले भाजी अभी भी निकल गए हैं उनकी शूटिंग थी जी सलमान के साथ भारत कर रहे हैं लो जी मानव सोल ग्रेट स्टार को छोड़ के सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कल के सलमान खान तो इधर खड़े हैं जी ओ मैं नहीं जी मानव सोल जी है पी के जी अच्छा जी सत श्री अकाल आप देखिए मैं कौन हूँ जी मैं पी के नहीं हूँ जी आई एम द मानव सोहल या दिस इज माई गेटअप सो आपको एंटरटेन करने के लिए मैंने ये अपना गेटअप बनाया है और एक्चुअली ये सब डमी मैंने क्रिएट किया था आइए अभी अभी जो मत करो नहीं नहीं होने दीजिए फिर दोबारा है असलियत वो असलियत है सर तो दिस इज मानव सोहल गिव यू माई कैप सर ये भी विगी है इसको फिक्स करने में बहुत टाइम लगता है तो मैं इसको अभी ऐसे ही लगा लेता हूँ सो दिस इज़ माई मूवी सर एंड आई एम प्रमोटिंग दिस मूवी और मैं जो है आप सबके सामने अभी मेरे जो स्टाफ है उनको भी आपके सामने लाना चाहूँगा प्लीज़ कम आइए आइए ये मेरे जो आई आइए मैडम या दिस इज मी मानव सोहल मोनिका मार्लो मोनिका मार्लो जी आइए हमारे और आर्टिस्ट हमारे प्रोड्यूसर साहब आइए ये हमारे प्रोड्यूसर हैं शैलेश गोसरानी जी हमारे और भी आर्टिस्ट हैं हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं यहाँ सामने आइए 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 सर आइए आइए ये नायब भाई आइए सर ये हैं जो जिन्होंने रोल किया है हमारी फिल्म में ये हमारे प्रोड्यूसर हैं शैलेश गोसरानी जी मैं सचिव मानव सोहल मेरे गेटअप आपके सामने लिया था शैलेश गोसरानी ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं नायब भाई जल्दी आइए चलिए सर ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा गाना दिया है जिंदा हूँ मैं और देखिए सर अब मैं फ़र्स्ट टाइम मूवी बना रहा हूँ मैं टीवी एक्टर हूँ सब लोग जानते हैं फिल्मों में भी काम किया है लेकिन होता यह है कि जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हो तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते
मैंने कैसी फिल्म बनाई है ये आप जब फिल्म देखेंगे तब आप डिसाइड करेंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ आपका ध्यान अटेंशन करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि मैंने कितनी मेहनत की। मैं सुबह से अपने घर से लेके यहाँ तक स्कूटर के ऊपर, मेरा स्कूटर वहाँ खड़ा है, आप उसको भी शूट कर सकते हैं जाके। सुबह से मैं अंडरगारमेंट बेचता आ रहा हूँ लोगों को, उसके साथ में एक चड्डी, एक टिकट भी फ्री देता आ रहा हूँ। सर मैंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, आप लोग जाइए एक बार देखिए, ये सारा इंटरटेनमेंट आपको उस फिल्म के अंदर मिलेगा। थैंक यू, अभी इंजॉय कीजिए मूवी। अभी आप लोगों ने मुझे देखा चड्डी बेचते हुए। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी एंड फर्स्ट प्रोडक्शन। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मेरी फिल्म में जो भी चीज़ है वो न्यू है, फर्स्ट टाइम है। तो लोगों का एक ट्रेंड है, मतलब हकीकत है, जब तक कि आप अपने आप को प्रूव नहीं करते इंडस्ट्री में, या जब तक कि लोग आपके बारे में नहीं जानते तब तक आप पे बिलीव नहीं करते, ये सच्ची सच्चाई है। तो मैंने जब पहले फर्स्ट टाइम फिल्म बनाई तो बहुत से लोग मुझे बिलीव नहीं कर रहे। एज ए एक्टर सब मुझे जानते हैं, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, एज ए एक्टर मुझे सब जानते हैं और सबको ये भी मालूम है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी या मैंने ठीक ठाक काम किया होगा, जैसा भी मैं एक्टर हूँ। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मैं लिख भी सकता हूँ, कोई ये नहीं जानता, क्योंकि आई एम डूइंग ए फर्स्ट टाइम डायरेक्शन एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्शन, जो शैलेश गोस्वामी जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनके साथ मिलकर मैंने किया है। सो अभी एक प्रोडक्शन हाउस या तो एक ना एक एक्स फैक्टर हर फिल्म में होना चाहिए, कोई एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, या तो प्रोडक्शन हाउस बड़ा हो तो लोग बोलते हैं यशराज की फिल्म है या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है, या फिर हीरो हो, स्टार हो। अब हम लोग फ्री में आपके घरों में आते हैं, इतने सालों से आपको फ्री में इंटरटेन कर रहे हैं, तो अब आप ये सोचेंगे कि यार जो लोग फ्री में हमें इतने दिन से इंटरटेन कर रहे हैं उनके लिए हम टिकट क्यों खरीदें। तो इसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने फिल्म बनाई है आपको एंटरटेन करने के लिए, और आप अगर पैसे देके भी मेरी फिल्म देखने जाएंगे तो मेरा आपको चैलेंज है, आपको अफसोस नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा। जो मैंने अभी लोगों के बीच में किया, मैं सुबह से पीके बन के अंडरगारमेंट बेच रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी प्रमोशन का हिस्सा था। और मैं हर थिएटर के बाहर जा रहा हूँ, सड़कों पर भी मैंने सुबह से कई जगह पर अपने स्कूटर, जो मेरा आपको पीछे दिख रहा है वो स्कूटर, उस स्कूटर पर बैठ के मैं साइड में बैग रख के, मेरे साथ बीच में लेले पाजी भी थे दो तीन जगह, बट उनकी अर्जेंट शूटिंग आ गई तो उनको बीच में जाना पड़ा, नहीं तो वो भी इस वक्त मेरे साथ होते। तो हम दोनों पीके एंड लेले सड़क पे इस तरह से लोगों को अंडरगारमेंट बेच रहे हैं। बड़े चैनल्स भी, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो बड़ी न्यूज़ और बड़े चैनल्स पे हम लोग आ जाएंगे, तो एटलीस्ट हमारी फिल्म को फ़ायदा होगा। कोई तो ये चीज़ ध्यान देगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तभी आप पब्लिक तक पहुंच सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत बड़ा बजट हो तभी आप अच्छी फिल्म बना सकते हो। ये बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आज मैं सड़क पर खड़ा हूँ, सड़कों के ऊपर अपने चड्डी बेच बेच के अपनी फिल्म प्रमोट कर रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि मेरे पास इतना बड़ा बैकअप नहीं है, इतना बड़ा मैंने करोड़ों रुपया इस पर खर्च नहीं किया, जो लिमिटेड बजट में हम काम कर सकते थे हमने किया है, और एक अच्छी फिल्म हमने बनाने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप मेरे नाम से फिल्म देखने आएंगे कि अरे मानव की फिल्म है, वी विल डेफिनेटली सी दैट मूवी। थैंक यू। देख ही रहे हैं कि मानव यानी पीके तो किस तरह इस फिल्म के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज हम सुबह से साथ ही में थे तो एक एक जगह पे रिक्शे वालों को, पब्लिक को, रास्ते पे हर किसी को पकड़ पकड़ के, वो जो उनका बिजनेस है इस फिल्म में पीके लेले में, जो चड्डी बनियान जो बेचते हैं, तो वो पकड़ पकड़ के पब्लिक, एक एक पब्लिक को पब्लिक हैरान हो रही है, क्या चीज़ है, ऐसा तो कोई बेचता नहीं है, लेकिन वो हमारे फिल्म के प्रमोशन इस तरह बहुत मज़ा भी आया और मज़ा आ रहा था। कुछ लोग बड़े इंजॉय कर गए मुझ पे, दिमाग खराब है तुम्हारा, ऐसे चड्डी बेच रहे हो, तो मैंने उनको क्या तरीका है बेचने का, मैंने चिड़ गए कि क्या पकड़ 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 लिया आपने। लेकिन कुछ लोग इंजॉय भी कर रहे थे जब उनको पता चला कि प्रमोशन कर रहे फिल्म के उन्होंने, और कुछ लोगों ने पब्लिक ने खरीद भी ली, और वो पब्लिक यहाँ पर है जो आज फिल्म देख रहे हैं। चड्डी के ऊपर हमने फिल्म के टिकट फ्री दिए, स्कीम था हमारा। अब आप सोचो सर, चड्डी के साथ मैंने अपनी ऑडियंस भी खरीद ली, ये सिर्फ मैंने धक्का दिया है सर, मैं ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकता, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा साथ दें। मेरा साथ देंगे आप तो डेफिनेटली आपको इंटरटेन भी करूँगा, मैं ज़बरदस्ती आपको खुश नहीं करूँगा। आप अगर थिएटर में जाएं, आपको फिल्म अच्छी लगेगी तो मेरी वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो जम के मेरी बुराई कीजिएगा, मेरे को गंदे रिव्यूज़ दीजिएगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ सर। लेकिन अगर मैंने अच्छा काम किया है तो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा सर। बस हमारा यही कहना है कि उन्होंने रोड पे जा जा के प्रमोट हो गए, अभी रोड पे जा जा के चड्डी बनियान बेच रहे और लोगों के ये कर रहे, एक एक घर तक पहुंच रही बात कि पीके ले ले एक बार आप देखने जाइए, जरूर आप देखने जाएंगे तो जरूर याद करेंगे और दूसरे लोगों को भेजेंगे। अच्छी कहानी बनाई हुई है, उसके अंदर कॉमेडी भी है, उसके अंदर लव स्टोरी भी दिया हुआ है और अच्छी कहानी बनाई हुई है, और मानव सर ने डायरेक्ट भी अच्छा किया हुआ है, उनका एक्टिंग भी है, देख के आप जरूर याद करेंगे कि नहीं ये मूवी देखने जैसी थी, और दूसरे को भी आप जरूर बोलेंगे। और सर आपका टाइटल को लेके ले जो है पीके से मैच करता है, इसमें आपके क्या कहना है?
सर एक्चुअली पीके से मैच करता है उसकी वजह से, वो कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इतना सा था कि मैं ऐसा टाइटल सर्च कर रहा था जिसमें कुछ अट्रैक्शन हो, कुछ डबल मीनिंग हो, क्योंकि मैं दादा कोड़के जी और मिस्टर बीन से इंस्पायर था इस करेक्टर के लिए, तो मुझे कुछ अट्रैक्टिव चाहिए था, तो मैं बहुत सारे टाइटल्स पर विचार कर रहा था, तो मुझे पीके नाम से एक जोक हमेशा याद आता था कि सर पीके आया है, तो बोले कौन साला पीके आया है, तो ये कॉमन बात है ये, सर पीके आया है, नहीं है सर मेरा नाम है पीके, अच्छा अच्छा नाम है, तो मैंने उस नाम के साथ सरनेम ले ले जो महाराष्ट्रियन ले ले है उसको अटैच किया और मैंने ये नाम बनाया पीके ले ले। ये वल्गर आपको लग रहा होगा सेकंड सेंस में, बट ये वल्गरिटी वाला नाम नहीं है, ये हमारा नाम है जी, मैं पीके हूँ और वजेंद्र काले साहब हमारे ले ले हैं। सर एज ए डायरेक्टर मैं डेब्यू कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैंने डायरेक्शन किया कल से मेरी फिल्म 2 दिन से लगी हुई है और सब लोगों का जो रिव्यू आए हैं और जो लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं कि अच्छा डायरेक्शन किया, उसका रीज़न एक ही है कि मैं पिछले मतलब कई सालों से, काफ़ी सालों से मैं सीरियल्स करता हूँ, फिल्में करता हूँ, तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो मैंने उनसे सबसे डायरेक्शन सीखा भी है क्योंकि वो मुझे ही समझाते थे शॉट, तो होप कि उनका अच्छा डायरेक्शन हो। सर जीरो के साथ पोस्टर लगाया ये जब मैं बॉम्बे में आया था, तो मैं बस जब पहली बार शाहरुख भाई से मिला था, तो शाहरुख भाई पेजारो गाड़ी में थे, रेड कलर की पेजारो थी उन पर, और जुहू स्कीम के अंदर वो लोग थे, और मैं अपनी कार रोकी, मैंने देखा यार ये बंदे को मैंने कहीं देखा है, मैं उतर के मैं पास गया तो शाहरुख भाई गाड़ी के बाहर आया, उन्होंने सोचा शायद मैं भी कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या उनका दोस्त होऊंगा, वो आगे बढ़े, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने गले भी लगा उनसे स्टाइल से, मैंने उनको ये बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया था बॉम्बे, और जब मैंने हाथ मिला लिया तो उन्होंने उससे मैंने पूछा और शाहरुख भाई कैसे हैं, तो शाहरुख बोले गुड, और आप, मैंने कहा सर मैं मानव सोहल, बोले अच्छा अच्छा हम कहाँ मिले हैं, मैंने कहा सर हम फिल्म में मिले हैं, आप पिक्चर, मैंने हम कौन सी फिल्म की थी हमारे साथ, मैंने नहीं सर आप फिल्म में थे मैं देख रहा था आपको जैसे ही उनको ये बोला मैंने, फट से उनका जो ऐसे थे ना मेरे सामने, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी उनसे बड़ी है, हाइटेड वो इतने हैं, मैं लंबा था, स्मार्ट था, तो उनको लगा शायद मैं होऊंगा कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो सकता हूँ जिस हिसाब से मैं वॉक करके आया, जैसे ही उन्होंने मुझे बोला देखा कि ये तो भाई पब्लिक में से कोई है, फट से उन्होंने बोला ओ इट्स ऑल राइट, और स्टाइल गए ओके सी यू ब्रो करके गाड़ी में बैठ के चले गए। तब उस दिन मैंने कहा कि सर जो आपने रिएक्शन चेंज किया है, तो मैं मन में सोच रहा था कि भगवान एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि कहीं ना कहीं मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा, आज मैं पर्दे पर उनके साथ नहीं हूँ, होल्डिंग पे उनके साथ हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा और ये आप लोग देखेंगे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे उस दिन भी था जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था और आज भी है। मानव जी ने सबसे पहले मुझे चड्डी बनियान बेची है, दोस्त हैं मानव जी हमारे और बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमने काफ़ी सीरियल साथ में काम किया, सीरियल्स में हमने काफ़ी काम किए, तो जब फिल्म बनाए थे उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब एक छोटा सा रोल है पर तुम्हें करना है कि तुम्हारे दोस्त हो तो करना है, तो अच्छे एक्टर हैं काफ़ी, हमने बहुत सारे सीरियल्स में मैंने काम किया तो पहले ही मालूम था, बट ये फिल्म देखने के बाद, फिल्म का हिस्सा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी फिल्म है, मैंने कई बार फिल्म देखी, एक्ट भी किया, रियल बता रहा हूँ बहुत अच्छी फिल्म है, और मानव में खास करके मैं पहले जानता था कि साथ में हमने काम किया था, हमने एक साथ में, तो कैसे एक्टर मुझे पहले से मालूम था, बट इस फिल्म में जो काम किया, जो उन्होंने जो इमोशनल सीन्स है या जो अपने वो जब जैसे लड़की जब मालूम पड़ता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बोले जी मैं पंजाब से आया हूँ एंड आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट, मैंने कहा व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, तो सर जवाब देने की जगह मुझे गाली देने लगे, सीधा बोले अनमोल की माचो, मैंने थप्पड़ मारा खींच के, मैंने कहा व्हाट इज़ दिस यार, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, तमीज़ से बात कर रहा हूँ, और आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं आप, तो उन्होंने समझाया सर गाली नहीं दे रहा हूँ, दिस इज़ माई प्रोडक्ट अनमोल माचो अंडर गारमेंट, और मैं पंजाबी बंदा हूँ सर, तो मैं के को दे बोलता हूँ, तो हम अनमोल की माचो के चड्डी बनियान बेचते हैं, तब मुझे लगा, और बहुत ही फनी सीक्वेंस था, मुझे लगा यार इनको तो लेना चाहिए मुझे, तो मैंने उनको कास्ट किया और उनको मिस्टर पीके बनाया, वो जो स्कूटर पे बैठे सेम मेरे तो दिखते हैं ना सर सो दिस इज़ मी मानव सोहल, मैंने कोशिश की है आप लोगों को हंसाने की, गुदगुदाने की, मेरी फिल्म आप लोगों के सामने आ चुकी है, और अब मैं आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म देखिए, जाइए, मैं सुबह से निकला हुआ सड़कों पर अपनी फिल्म के लिए अंडर गारमेंट बेच रहा हूँ, हर एक आदर्श नगर सिग्नल लोखंडवाला अंधेरी एवरीवेयर, ये अंधेरी के फन रिपब्लिक में मैं खड़ा हूँ, यहाँ भी मैंने लोगों को चड्डी बेची, और सर मेरे पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए, मेरी कम से कम 100 चड्डी सुबह से बिक चुकी है और लोग फिल्म देखने आए हैं। अब आप में से कुछ सवाल, कहाँ से आई सर आपको कि ये करना है? सर देखिए क्या होता है कि मैंने जब फिल्म बनाई तो मेरे पास बजट उस हिसाब से नहीं था, तो मैंने एक ऐसी चीज़ सोची कि बजट से कुछ नहीं होता, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपके पास दिल होना चाहिए, जिसका मैंने इस्तेमाल किया,
तब मैंने सोचा कि परफेक्ट, अगर कोई भी आदमी परफेक्शन के साथ काम करता है, पब्लिसिटी करता है, डिज़ाइन करता है, तो वो आपके दिमाग की चीज़ है, वो बजट की नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं इस फिल्म को ऐसा कुछ प्रमोट करूं जिससे कि लोगों तक पहुंच पाऊं। आज लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टीवी एड्स या बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रमोशन नहीं कर पाया, जैसे कि हमारे शाहरुख भाई ने किया, हर सब लोग करते हैं। तो लेकिन मेरी पहली फिल्म थी, एज ए डायरेक्टर राइटर एक्टर तो मैं हूँ, तो मैंने इस तरह की कोशिश की। मैं खुद सड़कों पर जा रहा हूँ आज से लेके 6 दिन तक, जब तक मेरी फिल्म चलेगी तब तक मैं लोगों को सड़कों पे जाके बैग लेके अपने हाथों से अंडरगारमेंट बेच बेच के उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनको समझाऊंगा कि सर दिस इज़ गुड मूवी, गो एंड वॉच दिस मूवी। सर ये शाहरुख के साथ कुछ करना अपने आप में ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बार ये बात बोली थी। फर्स्ट टाइम जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं लोखंडवाला में जू स्कीम में मैं एक जगह रुका, तो शाहरुख भाई गाड़ी से आए, पजारो थी रेड कलर की, शाहरुख भाई गाड़ी से उतरे और मेरे पास भी गाड़ी थी, और मैं जब गाड़ी से उतरा तो शाहरुख भाई ने मुझे देखा तो मैं उनकी तरफ बढ़ा, तो उनको लगा शायद मैं कोई एक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हो सकता हूँ, और मेरा भी जेस्चर बहुत अच्छा था, स्मार्ट पर्सनालिटी, मैं गया और मैंने हाथ बढ़ाया, हाय मिस्टर शाहरुख। तो शाहरुख भाई ने ऐसे देखा और मुझे गले लगे, बोले और कैसे हैं, मैंने कहा अच्छे हैं, तो बोले यार मैं आपको पहचाना नहीं, शाहरुख भाई बोले आपको पहचाना नहीं, मैंने कहा सर मैं तो पहचानता हूँ आपको, यही बहुत है, तो बोले हम कहाँ मिले, मैंने कहा हम फिल्म में मिले, तो बोले फिल्म हमने कौन सी फिल्म की थी साथ में, मैंने कहा सर हमने साथ में फिल्म नहीं की थी, आप फिल्म के पर्दे पे थे, मैं दर्शकों में बैठा था। जैसे उन्होंने ये सुना तो अभी तक वो यूं थे ऐसे, और सर थोड़ी देर में वो ऐसे हुए, उनको लगा यार तो फैन है, ऐसे करके इट्स ऑल राइट है, ओके सी यू मैन, ओके सी यू, और करके चले गए। मैं खड़ा रहा सड़क पर और सोचता रहा कि सर एक दिन आएगा कि मैं शाहरुख भाई के साथ खड़ा होऊंगा आके और उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। आज मैंने पोस्टर शेयर किया उनके साथ, लेकिन एक दिन जल्दी आएगा जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा उनके साथ और आप लोग ये देखेंगे, ये मेरा शाहरुख जी से ये कांटेक्ट है, मतलब ये मेरी सर, सर सब लोग हंस रहे थे, मैं मेरी फिल्म को जब से डिज़ाइन कर रहा था तब से सब लोग हंस रहे थे। बाद में मैंने मेरे सर को बोला, प्रोड्यूसर सर को बोला, मैंने कहा सर मैं इस तरह, ये सर हमारे प्रोड्यूसर साहब भी आ गए, हेलो हेलो, एक्चुअली थोड़े लेट हो गए आने में, और हमारी कास्ट भी है पूरी जो हमारे को सबको सपोर्ट कर रही है। तो मैंने इनको बोला कि सर मैं इस तरह से इसका प्रमोशन करना चाहता हूँ, तब तो मेरी बहुत लोगों ने ये सोचा कि यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से सड़क पे खड़े होकर चड्डी कैसे बेच सकते हो। तो सर वो जो स्कूटर आप देख रहे हैं पीछे पर्दे पर, सेम स्कूटर पे बैठ के मैं अकेला सुबह से यहाँ के बॉम्बे की सारी सड़कों पे अंडरग्राउंड बैठ रहा हूँ, और आप लोग मेरे ये वीडियोज़ भी देख पाएंगे। ये मैडम आ गई मेरी, हेलो, मैं श्रावणी गोस्वामी मोनिका मार्लो का रोल प्ले कर रही हूँ यहाँ पे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको फिल्म अच्छी लगेगी, आप लोग जाइए, अभी भी टाइम है, फिल्म थिएटर्स में लगी हुई है आपके नज़दीक में, तो आप प्लीज़ जाइए और फिल्म देखिए, बोलिए, व्यू दीजिए कि फिल्म कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, कॉमेडी मूवी है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप लोग। ये आइडिया देखिए, ये बहुत कमाल का आइडिया है, जो सुबह से देख रहे मानव जी कर रहे, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, एक एक बंदे को पकड़ रहे हैं और बोल रहे कि ले लीजिए, हमारे पास अंडरगारमेंट है इतने में ले लीजिए, आपको स्कीम दे रहे कि ये आप एक चड्डी ले लेंगे तो आपको फिल्म की टिकट मिलेगी, तो ये स्कीम सक्सेस हो गया है, लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों को तो नाराज़गी हो रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं क्या तरीका है चड्डी बेचने का, अचानक आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और कई ऐसे बिक भी गए, और जो लोग आ गए थिएटर में फिल्म देख रहे हैं वो लोग सब, और सबको बहुत पसंद आ रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर आप कहेंगे, सर आपका आपने जब मीडिया आई मानव जयंती आपको चड्डी बेचने वाले हैं, चड्डी बेचने में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पीके लेले का, और ये पूरा दोनों सेल्समैन होते हैं, पीके एक और एक लेले, दोनों का एक दूसरे से बहुत कमेंट किया हुआ है और दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, और लेले जी पीके का बहुत उसमें मतलब पीके एक शरीफ इंसान रहता है और लेले जी उसको हर एक गाइडलाइन देते, और दोनों अपने हर एक जगह पे गारमेंट बेचते हैं, और यही रोल इन्होंने पीके ने किया है, और ये सुपर हिट पीके का रोल है, बहुत अच्छा रोल है, आप जरूर देखिए पीके लेले। इनकी एनर्जी क्या कहीं नहीं देखी हम देखिए उसे बेच चटी बेच रही है। अरे सर इसकी एनर्जी तो आज तो सुबह से बेच रहे हैं, ये जब से स्टार्ट किया है पीके लेले बनाने से तब से देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जी हम ही देख रहे हैं कि उनकी एनर्जी जो है पावरफुल है और बहुत फास्टर है, और ये एनर्जी जितनी इसमें डाली हुई है, अगर आप एक बार जरूर इसको मतलब देखेंगे तो जरूर ये मूवी को आप ये करोगे कि जरूर देखने लायक है। बस दर्शकों से यही कहूँगा सर कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाया प्रमोशन पे, और मैं बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं कर पाया मेरी फिल्म की, लेकिन मैंने सर के और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें किए हैं, अगर आप लोग जाएंगे तो मुझे अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आगे फिल्म बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा, इसके अलावा मैं रिकवर कर पाऊँगा तो शायद मैं ज़िंदा रहूँगा आगे फिल्म बनाने के लिए, नहीं तो फिर स्ट्रगल हो जाएगी, इसलिए एक बार जाइए। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फिल्म आपको ज़रूर अच्छी लगेगी,
और आपका पैसा भी ख़राब नहीं होगा और आपका मूड भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मेरा लास्ट में सिर्फ यही कहना है जो मैंने अक्सर कहा है कि फ़िल्म कभी बड़ी या छोटी नहीं होती, फ़िल्म सिर्फ अच्छी और बुरी होती है। 500 करोड़ की फ़िल्म देखकर भी अगर आपका सिर दुखे तो वो फ़िल्म बेकार है, और 5 करोड़ की फ़िल्म देखकर भी आपको मज़ा आए तो वो फ़िल्म अच्छी है। दो ही कैटेगरी फिल्मों की होती है, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सेकंड कैटेगरी में कामयाब हो जाऊँ। सोचता मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, बट रियल बता दो, मैं वो सीन में मेरे आँख से आंसू आ गया, वो जो इन्होंने सीन में जो परफॉर्मेंस दी इनकी, तो ऐसे मुझे मालूम था कि अच्छा एक्टर है, बट ये फिल्म देखने के बाद में मुझे और ज़्यादा वो लगा कि बस हमारा दोस्त बहुत अच्छा एक्टर है। बहुत खुशी हुई देखने, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी ये फिल्म।